आज बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। कहीं कहीं बादल दिख रहे थे सुबह तक, लेकिन अभी नहीं है। और सब लोग मंदिर से आते हुए, हमारे तो व्रत है नहीं इस बार, इसलिए हम नहीं गए। बहुत रौनक है, लोग सुबह 5 बजे से मंदिर जा रहे हैं। इसको जब टाइम लगा है वो तभी जा रहा है पानी चढ़ाने शिव जी पे। और आज लोग मंदिर से आते हुए, कोने पे सैमी के दोस्त, धूप इतनी तेज लगी है कि वो छाया में बैठ गए हैं सुबह से खेलते खेलते। तू भी जाएगा बेटा? तू जाएगा खेलने? जा तू जा, आप जा ले जा। नहीं साइकिल नहीं ले जानी, बहुत तेज धूप है। ऐसे अभी हो रहा है दिन का टाइम, और मैं यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ कढ़ी बड़ी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है, और बेसन में मैंने डाल दी नमक, मिर्च, हल्दी और ये प्याज काट के। और इसके बाद मैंने डाला इसमें कसूरी मेथी डाली है। और इधर मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। इस बेसन को मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी पकौड़ी बनाने के लिए। प्याज वगैरह सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं पकौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी होती है बड़ी वाली पकौड़ी वाली कढ़ी। तो इस कढ़ाई में मैंने इससे पहले बनाई थी पालक की सब्जी, हरी सब्जी। और अब मैं इसमें बेसन का घोल करके छोटे छोटे बड़ी बना करके डाल देती हूँ। और अभी मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम फुल रखी हुई है। पकौड़े मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ कढ़ी। तो उसी सेम कढ़ाई में ही मैंने तेल रखा, और जो कढ़ी का घोल होता है वो मैंने पहले ही से बना के तैयार किया हुआ था। मैंने इसको आधे घंटे पहले ही मट्ठे में बेसन, लाल मिर्च, हल्दी, नमक सब कुछ मिक्स करके रखा हुआ था। और ये मट्ठा मेरा वो वाला है जो मैंने कल मक्खन निकाली थी, तो उसी का बटर मिल्क जो बच गया था मैं उससे, उसमें थोड़ी सी दही ऐड करके उसी से मैं कढ़ी बनाती हूँ। और कढ़ी बहुत ही अच्छी बनती है उसमें, क्योंकि मक्खन का फ्लेवर रहता है तो कढ़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है जीरा, चख्या, फरन और हींग। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाली है कस्तूरी मेथी, कसूरी मेथी। और इसके बाद मैंने गैस फुल फ्लेम करके यहाँ पे डाल दिया है बेसन का घोल, जिसमें मैंने मट्ठा भी डाला हुआ था। और ये गैस की फ्लेम फुल थी तो थोड़ा सा बाहर भी निकल गया गिर के। और तो जब तक ये उबला नहीं तब तक मैं इसको घुमाती रहूँगी, क्योंकि कढ़ी अगर छोड़ेंगे ज़रा सा तो फिर वो फट जाती है। तो इसलिए मैं इस कढ़ी को अब अच्छे से मिक्स करती जाऊँ घोल को, जब तक कि इस पर उबाल ना आ जाए। और उबाल आने के बाद मैं इसको छोड़ दूंगी।
देखिए कढ़ी उबल चुकी है। कड़ी उबल चुकी है, कितना बढ़िया कलर आ रहा है, बहुत सुंदर। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन, तो लहसुन को सबसे पहले कूट लेंगे। लहसुन को मैं इसमें कूटूंगी। कड़ी को मैं यहाँ पे कम आंच पर पकने के लिए छोड़ दूंगी, और मैं इसमें डालने के लिए हरा धनिया लाती हूँ। हरा धनिया मेरे गमले में हो रखा है, तो मैं वहाँ से लेके आती हूँ। ठीक है, तो कड़ी हमारी यहाँ पे पक रही है। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया। अब ये कम आंच में मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। इधर हमारे बन रहे हैं चावल, और ये पकौड़ी कुछ बच गई है, तो मैं इस सेमी को दे। बेटा पकौड़ी एक और खा ले। तू क्या देख रहा है बेबू? आवाज बंद करो पहले, कॉपीराइट आ जाएगा। नहीं देख रहा बेटा ग्रामर फीड? हाँ। क्या है उस ग्रामर फीड? हाँ। कौन है वो? वो यूट्यूबर। उसी को क्यों देखता रहता बेटा? अच्छे तेरे को पसंद है? हाँ। तेरे को उससे मिलना है? हाँ। तो गाइज ये है टेक्नो गेमर, नहीं किसका गेमर, गेमर पे। उसका असली नाम क्या है? अंशु। हाँ ये है अंशु बिष्ट का सबसे बड़ा फैन, दिन भी रात भी उसी की वीडियो देखता है, और चैनल भी उसी का सब्सक्राइब कर रखा है। तो अगर टेक्नो गेमर नहीं क्या गेमर फ्लीट अगर किसकी वीडियो कभी देखे तो इसका हाय जरूर करना अपने लाइव में। तो खा पकौड़ी खा, कैसी हो रही? तो अब हम चलते हैं छत में। छत में से मैं लाऊंगी हरा धनिया। पकौड़ी ना बहुत ही अच्छी हुई है। इतना धनिया ले लिया है कड़ी में डालने के लिए। सौर्या देख, सौर्या कहाँ जा रहा? लंच में क्या बनाया? कड़ी चावल पालक की सब्जी। कड़ी हमारी पक चुकी है अच्छे से, और ये रहा हरा धनिया घर का। खाएगा तू भी? आजा खा ले। अरे खा ले, अरे सोरे आजा। देखिए सैमी का दोस्त सीधे खिलौने तोड़ने बैठता है। टेस्ट करना नमक। कड़ी को ऐसे थोड़ी खाते, हाथ से खाते हैं उसे, रस लगा लगा के। सैमी फोन मत निकाल अभी। कैसा हो रहा? कैसा हो रहा? कैसा हो रहा? कैसी हो रही? कैसी हो रही कड़ी? हैं? तो चख जरा टेस्ट कर। ये इसका कलर देखो कितना बढ़िया आ रखा। उसको हाथ ऐसे खाता है कटोरी में? कड़ी कड़ी खाते हैं ऐसे थाली में। और उंगली जला देते हैं गरम और ऐसे कर। मैं धनिया लेने भी गई छत में ना। बेटा कैसा हो रहा? कैसे हो रही बेटा?